सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। सीबीआई ने एनएससी को लोकेशन मामले में चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल। शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य में हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहे सेना। प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में एसएससी एसएटी संगठन ने बिहार की अपील वापस लेने की याचिका का किया विरोध। अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगा टीका, कोवैक्स वैक्सीन को मिली मंजूरी। आतंकियों और उसके समर्थकों का तैयार हो रहा है डाटाबेस, हथियारों की तस्करी करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा। जहांगीरपुरी वायलेंस के बाद तेज हुआ सियासत, वीएचपी नेताओं को कुशल चौक के पास रोका गया, जामा मस्जिद ने जुमे की नमाज से पहले की अपील। खरगोन हिंसा में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, इब्रिस खान मौत मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। केरल मातृत्व में अव्वल यूपी एमपी सहित देश के कई राज्यों में मृत्यु अनुपात बेहद चिंताजनक। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना, कुछ दिनों में फिर भारत के मौसम पर इसका होगा असर। पीएम मोदी बोले, औरंगजेब की अततायी सोच के सामने गुरु तेग बहादुर जी एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। ग्लोबल मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम के तहत देश में ही बनेंगे विदेशी कंपनियों के लड़ाकू विमान, सरकार का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर। पीएम मोदी के दौरे से 2 दिन पहले टेररिस्ट अटैक, 15 सीआईएसएफ जवानों को ले जा रही बस पर ग्रेनेड हमले में एएसआई शहीद। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अलग हुई पुलिस, कड़ी निगरानी के लिए इलाके में लाए गए सीसीटीवी कैमरे। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के रिश्वतखोरी के आरोप में दर्ज 2 एफआईआर, देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई। राष्ट्रपति भवन पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी ने किया स्वागत। सिद्धार्थनगर में बीमारियों से मिलेगा निजात, स्वास्थ्य मेले का आयोजन, जिले में सीएमओ अनिल कुमार चौधरी के कार्यक्रम का फीता काटकर किया शुभारंभ। अलीगढ़ में नशे की हालत में महिला का तांडव, हॉस्पिटल में किया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। चंदौली में स्कूल चलो अभियान को मिली रफ्तार, चॉकलेट देकर बच्चों को किया गया जागरूक। चंदौली में अनोखी शादी की हर तरफ चर्चा, शादी के बीच दूल्हा दुल्हन ने किया रक्तदान।
फर्रुखाबाद में आईजी कानपुर का दो दिवसीय दौरा, जिले में पुलिस अफसरों के साथ की समीक्षा। कानपुर में डीएम ने लगाई चौपाल, 6 ग्राम पंचायतों के लोगों की सुनी समस्याएं, ग्रामीणों ने तालियां बजाकर डीएम नेहा शर्मा का किया स्वागत। लखीमपुर खीरी में पुलिस और राजस्व टीम की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त। लखीमपुर खीरी में पैसा बना बहुत की वजह, रिश्ते में हुआ खूनी खेल, कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। लखीमपुर खीरी में गोद भराई अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम के धौराहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने की शिरकत। लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र में पिंक बूथ का जायजा, डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा ने किया निरीक्षण। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, एम्बुलेंस बनी मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी। संबल में पानी पीने से मिल रही मौत, हेपेटाइटिस सी की चपेट में कई ग्रामीण, शुगर फ्री डिस्टिलरी से जमीन में डाला जा रहा दूषित पानी। अलीगढ़ में जिला अस्पताल का हाल बेहाल, अस्पताल में समय से नहीं पहुंचते डॉक्टर, पार्किंग के नाम पर लोगों से वसूली। फरीदाबाद में विजिलेंस विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में लोगों को किया गिरफ्तार, विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। रायबरेली में रफ्तार ने बरपाया कहर, कार ने 3 को रौंदा, 2 लोगों की मौत, पुलिस ने कार चालक को लिया हिरासत में। गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे में बड़ी कार्रवाई, एआरटीओ और आरटीओ हुए निलंबित। संभल में डीपीआरओ के आदेशों का पलीता, साफ सफाई को तरसी जनता। अखिलेश यादव पर बढ़ा दबाव, आजम खां से मिलने सीतापुर जिला जेल पहुंचे शिवपाल यादव। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनाथ संग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाराणसी में होटल ताज गैंगेज में बैठक। अयोध्या में नियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। बलिया की कंपनी गोरखपुर में करेगी 1200 करोड़ का निवेश, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा। पहले कोरोना तो अब गर्मी ने घटाया रक्तदान, लखनऊ के अस्पतालों में 50% खून की गर्मी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अफसरों से बोले, अस्पतालों से असंतुष्ट होकर न जाए मरीज, बेवजह न किया जाए रेफर। यूपी में 8 महीने में 24,000 भर्तियां करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, 2022 की लिखित परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। टुंडा स्टेशन पर मिले सैकड़ों कारतूस, मुजफ्फरपुर के लिए हो रहे थे सप्लाई, गहरी साजिश की आशंका।
स्कूल बसों की फिटनेस जांचने को यूपी में चलेगा अभियान। गाजियाबाद हादसे से नाराज सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। यूपी की कानून व्यवस्था को और चुस्त बनाने को सीएम योगी ने बनाया 100 दिन का प्लान, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। यूपी में अब राशन कोटेदार भी बेचेंगे कम मूल्य के ई स्टाम्प, पंजीकरण के लिए टोकने डिस्प्ले सिस्टम होगा लागू। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, छज्जा गिरने से बच्ची समेत 2 की मौत, कई लोग हुए घायल। सपा सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने फिर उगली आग, बोले भाजपा और आरएसएस के इशारे पर ही मुसलमानों पर जुल्म। सीएम धामी बोले अतिक्रमण हटाने में ही हो रहा बुलडोजर का प्रयोग, हमारी विचारधारा सदैव रही है राष्ट्रवादी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, बारिश के आसार, भीषण गर्मी से फौरी राहत। उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब डेंगू की चुनौती, जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के उठाए कदम। उत्तराखंड में नर्सिंग नियमावल में बदलाव की तैयारी, नर्सिंग संवर्ग के 19,000 से अधिक पद चल रहे खाली। उत्तराखंड में भाजपा नेताओं को जल्द मिल सकती है दायित्वों की सौगात, बीएल संतोष देहरादून में लिंक बैठक। पक्ष की बजाय अपनी पार्टी की सीट खाली कराकर एनडी तिवारी की राह पर चले सीएम धामी। चंपावत के भाजपा विधायक गहतोड़ी ने दिया त्यागपत्र, कहा नहीं कोई निजी स्वार्थ, प्रदेश का चाहते हैं विकास। विधायक गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद चंपावत पहुंचे सीएम धामी, गोरखनाथ धामे में टेका मत्था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए काफी अहम, तीर्थयात्री केवल 4 घंटे में पहुंचेंगे बद्रीनाथ। ₹976 करोड़ से होगा भानियावाला ऋषिकेश मार्ग का चौड़ीकरण, रह जाएगी मात्र 20 किलोमीटर की दूरी। देहरादून में आईटीआई में अप्रैक्टिस मेले में 870 अभ्यर्थियों का चयन, 53 कंपनियों ने लिया हिस्सा। फाइनेंसर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। इंटरनेट मीडिया के जमाने में भ्रामक समाचारों से बचना जरूरी, राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर कार्यक्रम में बोले काबीना मंत्री गणेश जोशी। छह साल बाद इंदिरा मार्केट फ्री, डेवलपमेंट प्लान पर काम शुरू, व्यापारियों को अस्थायी दुकानों में शिफ्ट करने के निर्देश। नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों से सजी विरासत केक और शाम, कलाकारों ने दर्शकों को किया झूमने पर मजबूर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रूस में एंट्री पर बैन, यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए बाइडेन का $80 करोड़ की सैन्य मदद का ऐलान।
फजूल खर्ची से जुड़े विवाद में बुरी तरह घिरे इमरान, गले की फांस, बना घर से दफ्तर आने का खर्च। इमरान खान ने रैली के दौरान फिर की तारीफों के बांधे पुल, देश की स्वतंत्र विदेश नीति को सराहा। अमेरिका ने रूसी जहाजों पर भी लगाया प्रतिबंध, कहा रूस पर लगे प्रतिबंधों में राहत देने के पक्ष में नहीं पश्चिमी देश। युवाओं में कोविड के अधिक खतरे के लिए वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार, श्वसन संक्रमण के खतरों को बढ़ा सकते हैं मौजूद प्रदूषक। एससीओ के सदस्य देशों का जोर, अफगानिस्तान में जल्द गठित हो समावेशी सरकार। श्रीलंका में रामबुकाना में कर्फ्यू खत्म, तैनात की गई सेना, मानवाधिकार आयोग ने कई अफसरों को भेजा समन। दुनिया में फिर एक नए मोर्चे पर बढ़ा तनाव, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गांजा सीमा पर गोलीबारी, टूटा संघर्ष विराम। रूस सरकार यूक्रेन में रह रहे विदेशी छात्रों पर हुई मेहरबान, फीस में रियायत को लेकर जरूरी खर्चों का उठाया जुम्मा। चिनफिंग ने बाहरी ताकतों के खिलाफ एशियाई एकता का किया आह्वान, हिंद प्रशांत को लेकर अमेरिका पर बोला हमला। रिलायंस डील पर फ्यूचर ग्रुप ने शेयर धारकों और लेनदारों के साथ पूरी की बैठक, अमेज़न ने किया विरोध। एलआईसी आईपीओ लाने की तारीख पर जल्द होगा फैसला, एलआईसी का आईपीओ इस साल मार्च में आना था लेकिन सरकार ने अपनी योजना बदल दी। दिवालिया कानून की वजह से नहीं फंसेगा एमएसएमई का भुगतान, नई नीति में लाए जा रहे हैं कई प्राविधान। गौतम अडानी बोले 2050 तक 30 अरब डॉलर की व्यवस्था हो गई तो भारत में कोई भी खाली पेट नहीं सोएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिली वैश्विक पहचान, कई क्षेत्रों में स्टार्टअप के साथ सहयोग से मिले आश्चर्यजनक परिणाम। पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में होगी बैटरी स्वैपिंग की सुविधा, नीति आयोग ने जारी किया नीति का मसौदा। चालू वित्त वर्ष में उर्वरक पर सब्सिडी 1,65,00,000 करोड़ रुपए पर पहुंचेगी, पिछले दो वित्त वर्षों में केंद्र ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नियमों में किया गया बदलाव, बच्चों को मिलेगा 1.25 लाख तक की पेंशन। आरबीआई ने बैंक लॉकरों के नियमों में किया बड़ा बदलाव, लॉकर लेने से पहले जान ले सभी डिटेल्स। अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में करीब 5% का उछाल, अडानी समूह अगले 5 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। धोनी ने आखिरी ओवर में फिनिश किया मैच, ये है चेन्नई की दूसरी जीत, कप्तान जडेजा का रिएक्शन हो रहा है वायरल। दिल्ली के सामने राजस्थान के खिलाड़ियों पर होगी जीत दिलाने की जिम्मेदारी, बटलर और वार्नर की बल्लेबाजी आकर्षण का केंद्र।
आईपीएल में चेंज करते हुए 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के हैं धोनी के नाम। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लगाया छक्का। ट्रेविन ब्रावो के नाम दर्ज हुआ खास रिकॉर्ड, उमेश यादव की बराबरी पर पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 4 गेंद में खत्म कर दिया मुंबई इंडियंस का खेल, पलट दी हारी बाजी। कप्तानी छोड़ने के बाद भी विराट कोहली का बल्ला है खामोश, इस सीजन में 7 मैचों में बनाए 119 रन। मुंबई के खिलाफ आखिरी ओवर का रोमांचक और रिकॉर्ड 87वीं बार धोनी नाबाद पवेलियन लौटे। मुंबई को पिछले 6 मैचों में मिली हार के बड़े कारण है किरण पोलार्ड प्लेइंग X1 में उनकी जगह पर मांजरेकर ने उठा दिए सवाल। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की टॉप 5 खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हुए नामित। रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने, बना दिया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड। केजीएफ 2 की आंधी में उड़ा बॉक्स ऑफिस, 8वें दिन भी की ताबड़तोड़ कमाई। शादी के खबरों के बीच आदिया सेट्टी और केएल राहुल ने किराए पर लिया लग्जरी अपार्टमेंट, 1 महीने का किराया जानकर उड़ जाएंगे होश। शाहिद कपूर की अदाकारी से नजरें नहीं हटी, मृणाल ने दी मैच्योर परफॉर्मेंस, जर्सी देख इमोशनल हुए सेलिब्रिटीज। गिल्टी माइंड्स की एक्ट्रेस श्रिया पिलवांकर ने कहा, लोग कहते हैं मेरी आदतें मम्मी की तरह हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के सेट से तस्वीर हुई वायरल, रिलीज हुआ आलिया रणवीर का नया लुक। जर्सी स्टार शाहिद कपूर के चौके छक्के ने जीता तेलुगु स्टार का दिल, फिल्म के लिए की जमकर तारीफ। कियारा आडवाणी ने शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की तारीफ, तो एक्टर नानी ने कबीर सिंह बन दिया जवाब। करण जौहर की सीक्रेट एलाइज व्हाट्सएप ग्रुप में, आलिया रणबीर को आयान मुखर्जी की वजह से नहीं मिली एंट्री, होती है बहुत सी बातें। कंगना रनौत की जेल में कैदी शिवम शर्मा ने जीता टिकट टू फिनाले, मुनव्वर फारूकी समेत कई कंटेस्टेंट को दी मात। भूल भुलैया 2 में कियारा आडवाणी का फर्स्ट लुक हुआ आउट, रीत ने रोल में डराती नजर आई दी एक्ट्रेस। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो